युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 4 अप्रैल 2020 दिन शनिवार, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज दशमी तिथि मध्य रात्रि 12:24 तक रहेगी और उसके पश्चात एकादशी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है वो दोपहर 12 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:16 से लेकर 10:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज लो ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना विशेष ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज उनका रक्तचाप गिरने से वह परेशान हो सकते हैं, इसलिए आज नमक का सेवन थोड़ा बढ़ा दें। आज आप जिस भी व्यक्ति के साथ जैसा भी व्यवहार करेंगे उसके समुचित ही आपको फल प्राप्त होंगे। समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। इसलिए आज आप सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें और किसी के साथ भी बुरा करने की सोचे भी ना। आज यदि आप अस्पताल में वाटर कूलर या प्याऊ लगवाने के लिए दान देते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज आप रात को दूध पीना भी अवॉइड करें। आज आपको आलस्य करने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप प्रातःकाल उठकर व्यायाम करें और पवित्र होकर भगवान को याद कर अपने काम में जुट जाएं। वृषभ राशि वालों, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका के बीच में कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगण, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि माता पिता ये महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चे हकलाते हैं तो इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपके बच्चों को फायदा होगा और धीरे धीरे उनका हकलाना बंद हो जाएगा। आज आप चांदी की सरस्वती माँ की प्रतिमा का लॉकेट बनवाएं और उस लॉकेट को आप अपने बच्चों को पहनवाएं। चांदी की प्रतिमा दान स्वरूप किसी गरीब व्यक्ति को देने से भी हकलाने में फायदा होता है और धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाती है।
आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे यह अंगूठी पहनाई थी, मैंने यह अंगूठी पहना, मुझे काफ़ी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला, मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में। फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ, मुझे कुछ बाकी था मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं से यही कहना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आप आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आप विश्वास कीजिए। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।